आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मुख्य रूप से मौजूद रहे। पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा समर्थित वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहुंचाए, जो मौजूदा समय में लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बिंदल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिरमौर जिला और नाहन विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से यह अपील की जा रही है कि भाजपा ने जिन विकास कार्यों को लगातार अंजाम दिया है, उन्हें जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। नाहन विधानसभा क्षेत्र का पंच परमेश्वर सम्मेलन हिंदू आश्रम नाहन में संपन्न हो रहा है। बड़ी संख्या में वार्ड पंच, उप प्रधान, प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, पूर्व प्रधानगण, पूर्व बीडीसी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ पधारे हैं। विषय है हर व्यक्ति तक पहुँचना। भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाना और उन्हें विकास के साथ याद कराते हुए 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बने। नाहन विधानसभा क्षेत्र और सिरमौर जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, इस नाते आज यह पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किया गया है। हम सभी पंचायतों के, नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों का आह्वान करते हैं कि भाजपा सरकार ने लगातार विकास के कार्यों को अंजाम दिया है, आपके माध्यम से काम किए हैं, अब समय आ गया है हम खड़े हो जाएं। 2 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए समय लगाते हुए एक बार फिर 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएं।